तो हमने एडमिशन कराई फिर स्कूल में, कोई मना नहीं करता हमें पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो रहने नहीं दे रही थी वहाँ पर। अब बी एम फर्स्ट में पढ़ जाएगी बच्चा जी, फर्स्ट में आ जाएगा बेटा। योगेंद्र कुमार जी आई थी आज, योगेंद्र चुनाव प्रताप कुमार जी और आप भी बताओ जी, कहाँ भागीरथ जी कहाँ गए, आप भी बताओ, आपकी व्यथा बताओ जी मैडम जी। एक ये बच्चा है जिनकी, और बताओ अपना ये खराब हो रही है, चार महीने ये करे जी, वहाँ से टीचर को निकाल दिया, नीचे टीचर को, जैसे मेरे को निकालना है वहाँ से, तो उस टीचर के बाद दो टीचर भर्ती करे दोनों, वो भी निकालने के लिए मान लो क्यों मैडम का दफ्तर भी बाहर है। किस बेस पर पेपर दे रहे हैं, क्या पेपर देंगे, छह सात महीने से पढ़ाई, जब से मैडम आ रही है ना, जब से ये टीचर प्रिंसिपल को ये रहा, कहाँ गए प्रिंसिपल साहब आ गया, ये तो प्रिंसिपल साहब को निकाल दिया जी, तुषार सर को निकाल दिया मेरे, इंक्वायरी हो नहीं जी मारी, लेकिन भैया हमारे बयान दे रहे हैं, यही बैठे जी हमारा सारा स्टाफ पीछे वाली मैडम, और मैडम जी 2013-14 में भी यही हुआ था मैडम, मेरा नाम राजेश है, मैं हेलेन क्लियर ब्लाइंड स्कूल प्रिंसिपल के पद पर रहा हूँ, और हमारी काफ़ी टाइम से 3-4 दिन से हमारा धरना लगातार चल रहा है, तो आज मैडम दर्शना जी जो हमारे जांच अधिकारी बनाए हैं इस संदर्भ में, तो वो आए थे, उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि आपको मांग को जल्दी ही पूरा कर दिया जाए। सर धरना किस चीज़ को लेकर लगाया गया है, असली वजह क्या है? असली वजह है कि कई तरह के नए निमित्त आए, बच्चों को निकाला गया है विद्यालय से, स्टाफ को निकाला गया है, और कई स्टाफ एक स्टाफ का वेतन भी तोड़ दिया गया है, तो इस तरह काफ़ी चीज़ें प्रिंसिपल पद से भी हटाया गया है, तो ये चीज़ें 3-4 तरह की अनियमितताएँ हैं, और पेरेंट्स को डराया धमकाया जाता है, बच्चों को डराया धमकाया जाता है, बदतमीजी से बात की जाती है, इस तरह की है काफ़ी, तो उसको देख करके हमने ये धरना लगाया, यहाँ की इसको जिला प्रशासन चलाए, 2017 में जिला प्रशासन के तहत चलाया जाता था, डेरा प्रकरण का मामले के कारण ये इनको दिया गया था प्राइवेट मैनेजमेंट को, इन्होंने वापस किया नहीं स्कूल को, तब से इनके अंडर में ये चल रहा है। कितना स्टाफ है जिसको निकाला गया? 3 बंदों का स्टाफ है जिनको निकाला गया। कौन कौन उसके अंदर स्टाफ? उसके अंदर पवन जी हैं, तुषार जी हैं, नूनू कुमार हमारे सुपर, उनको निकाला गया। किस पद पर ये कार्यरत थे स्कूल के अंदर? ये स्पेशल टीचर थे दोनों, पवन कुमार जी, तुषार जी, और नूनू कुमार सफाई कर्मचारी हमारा माली है। तो स्टूडेंट्स कितने इसके अंदर आते हैं जिनको वहाँ से निकाला गया? उसमें 4-5 बच्चों के नाम काट के निकाले गए। वजह क्या है उसकी? वजह कोई नहीं है, बोले मैं ऐसे वैसे बच्चों को रखूंगी नहीं, मैं तो अच्छे बच्चों को रखूंगी, ये करूँ, इस तरह काफ़ी तरह बहाने तरह तरह बना करके वो निकाल रही है।